हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा अभी फ्री का क्लासेस चल रहा है पेपर कटिंग पे। आज हम लोग सीखेंगे डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और उसमें हम बताएंगे कि स्लीव्स का डिज़ाइन कैसे बनाना है। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि कैसा है, तो उसी वही चीज़ का आप कटिंग आपको बताएंगे कि कैसे आपको कटिंग करना है और कैसे स्टिचिंग कीजिएगा ये भी बताएंगे। तो कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों मिल जाएगा एक ही वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मेरा चैनल में पहले से भी बहुत सारा वीडियो ऐसा है जो डला हुआ है। पेपर कटिंग है और ब्लाउज कटिंग है, कटोरी वाला भी है, प्लेन वाला भी है, सिंगल वाला भी है। सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरा चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर कटिंग अगर सीखना है शुरू से तो पेपर कटिंग का भी शुरू से लेकर के अब तक का वीडियो हम डाल दिए हैं चैनल में, जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पेपर कटिंग करके है, उसमें आप देख सकते हैं। क्लास वन से लेकर के अभी तक का सारा कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, जाके सीखिए, शुरू से सीखिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग, और साथ ही में हम पफ वाला ब्लाउज का स्लीव्स भी सीखेंगे। पफ वाला स्लीव्स का कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताएंगे और सादा ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करके भी बताएंगे कि आपको कैसे स्टिचिंग करना है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, पहले यहाँ पे हम जो पेपर है इसको देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है एक बार, और फिर एक बार हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से बीच में से, ठीक है। तो हमारा ब्लाउज का जो साइज होगा वो 30 साइज वाला ब्लाउज होगा, ठीक है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, तो पूरा मेजरमेंट हमारा 32 वाला होगा। तो देखिए हम 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 8 इंच ले रहे हैं हम। कमर हमारा है 8 इंच, ठीक है। अब देखिए पूरा हमारा जो ब्लाउज का लंबाई रहेगा 14 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच ले लिए शोल्डर, और आर्महोल हम लेंगे 5.5 इंच। इसको चरफुट कर लेंगे, और जो हमारा मेजरमेंट लिए थे हम उसके साथ इस तरीके से मिला देंगे। अब आर्महोल की गोलाई दे देते हैं। देखिए आर्महोल की गोलाई हम दे दिए। अब हम रखेंगे गले का डिप। देखिए यहाँ पे हम रखेंगे कितना, 5.5 इंच, तो गला हम रखेंगे 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा। अब देखिए गले के लिए हम क्या करेंगे, 6 इंच रखेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड वाला है इसलिए इसको चरफुट कर लेंगे, और इसको हम शेप दे देंगे। देखिए गोल कर दिए। अब जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर ली है। अब जो नीचे तरफ मेरा जॉइंट है इसको हटा लेते हैं, ताकि बैक साइड और फ्रंट साइड का कपड़ा जो है वो एक दूसरे से अलग कर पाए। तो देखिए एक साइड हम साइड कर लेते हैं, ये हमारा बैक साइड है इसलिए हम इसको साइड कर लिए। अब हम फ्रंट साइड की बारी आते हैं। इधर यहाँ पे हम देखिए क्या किए हैं, गले का लाइन ड्रॉ जहाँ पे किए हैं उसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। गले का कटिंग जो है हम कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कटोरी है तो यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे 10 इंच की दूरी पर हम ले रहे हैं लंबाई, और इसको हम पहले सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए सीधा लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम यहाँ पे
टक्स लगाएंगे। तो टक्स देखिए हमारा कितना है, पूरा चौड़ाई 9 इंच है, तो 9 इंच का आधा होगा 4.5 इंच, यहाँ पे एक टक्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टक्स लगाएं इसमें हम क्या करेंगे, दो दो इंच की दूरी पर, यहाँ से 2 इंच की दूरी, सॉरी 1.5 इंच की दूरी पर एक टक्स लगेगा, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर एक टक्स लगेगा, और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर एक टक्स लगेगा, ठीक है। तो चारों तरफ हमारा टक्स लगेगा, यहाँ पे ऐसे गोल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा कटोरी जैसा बन जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर तरफ करते हुए इस तरीके से और कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग कर लिए हैं, अब इसका जो जॉइंट है इसको हटा लेंगे। इसका भी जॉइंट हटा लेते हैं। अब जहां जहां पे टक्स लगेगा वहां वहां पे कट्स लगा लीजिए, ताकि दोनों तरफ जो है निशान बन जाए कि हमको कहां कहां पे टक्स लगाना है, ठीक है। तो चलिए जैसे हम कटिंग कर लिए हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, टक्स लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। देखिए जो पिनअप कर लेते हैं इसको हम टक्स जैसा, देखिए तिरछा करके हमेशा टक्स लगाइएगा। देखिए यहाँ पे एक लगा लिए, अब यहाँ पर एक लगेगा, देखिए अब ऐसे सेम यहाँ पर एक लगेगा इस जगह पे और एक इस जगह पे, चारों तरफ हम टक्स लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए चारों तरफ हम टक्स लगा दिए हैं, अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके और देखना है कि फ्रंट साइड हमारा कैसा बना। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है, कटोरी जैसा। अब इसमें सिंपल करना है कि जो मेरा तीरा है उसको जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से तीरा को जॉइंट कर देना है, तो जो हमारा ब्लाउज है वो बनके तैयार हो जाएगा, फ्रंट साइड हमारा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रंट साइड बन गया। अब वैसे ही सेम इस तरफ भी ऐसे ही करना है, इसमें भी वैसे ही कर देना है। अब आता है हमारा बैक साइड का बारी। देखिए बैक साइड भी इसको हम पहले साइड कर लेते हैं, इसमें हम कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बता दिए फ्रंट साइड का। अब बैक साइड में हम कटिंग करेंगे, तो बैक साइड का जो हमारा लेंथ होगा वो होगा 12 इंच। इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है, 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा, इसको आप फोल्ड करके अंदर तरफ से स्टिचिंग कर सकते हैं या तो कटिंग करके हटा सकते हैं, तो हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले रहे हैं 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा, जितना लिए थे हम फ्रंट साइड में उतना ही लेना है। अब बैक साइड का हम डीप नेक रखेंगे 10 इंच। इसको हम चरकुट कर देंगे और इसका भी हम इस तरीके से गोल का शेप दे देंगे। फ्रेंड्स देखिए मेरा बैक साइड वाला भी हो गया है,
यहाँ पे जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड करके अंदर तरफ से स्टिचिंग कर देना है। तो हमारा जो बैक साइड है वो बन के तैयार हो गया है। देखिए डीप नेक बना है, इसमें आप टक्स लगा लीजिएगा दो तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम साइड कर लेते हैं। अब आता है हमारा स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स का जो डिजाइन होगा वो होगा पफ स्टाइल में, फ्रिल लगेगा उसमें, पफ टाइप का होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए स्लीव्स को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे पहले, ठीक है। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है। अब जितना आपको पफ रखना है, जितना चौड़ा आपको पफ रखना है, उसी हिसाब से आप पहले चौड़ाई ले लीजिए। तो हम जो पफ रखेंगे उसका ज्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, हम 6 इंच तक रखेंगे पफ का चौड़ाई, ठीक है। 6 इंच हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना आपका, जितना आपको रखना है पफ, जितना ज्यादा पफ देना है उतना आप लीजिएगा। तो हम ले रहे हैं मिनिमम 12 इंच, ठीक है, 12 इंच हो गया। अब सीधा कटिंग कर लेना है कपड़ा को, इस तरीके से सीधा हम तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे, इसको साइड कर लेंगे। देखिए ये चौरखुट करके कट लिए हैं पूरा को। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मेरा जो फैब्रिक है ये बहुत लंबा है, तो इसमें हमको फ्रिल लगाने में ज्यादा भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, साइड कर लेते हैं पहले। अब बारी आता है स्लीव्स का, कितना आपको लेना है स्लीव्स। आपका जितना चौड़ा रहेगा नीचे तरफ, स्लीव्स का चौड़ाई आपका जितना रहेगा नीचे तरफ उतना आपको ले लेना है, ठीक है। तो हमारा जो स्लीव्स का चौड़ाई होगा पूरा पूरा चौड़ाई होगा हमारा 10 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 इंच लाइन ड्रॉ करके और इसको इस तरीके से कपड़ा को निकाल लेंगे हम। तो हो गया हमारा 10 इंच। देखिए और पट्टी का आपका चौड़ाई जितना रखना है उतना आप ले लीजिएगा, ठीक है। 4 इंच है मेरा, आपको अपना हिसाब से लेना है, आपको जितना लेना है उसी हिसाब से आप लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा, अब इसको हम साइड कर लेते हैं। अब जो हमारा स्लीव्स का शेप है वो पहले कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्लीव्स का हम चौड़ाई कितना रखेंगे, यहाँ पे हो गया मेरा 4 इंच और हम रखेंगे मिनिमम 4.5 इंच। देखिए 4.5 इंच पर हम इस तरीके से दाग देखें और यहाँ पे चौड़ाई हमारा कितना था पूरा 10 इंच, तो यहाँ पे हम 5 इंच पर दाग दे दिए। अब इसको हम इस तरीके से देखिए स्लीव्स का शेप दे दिए, ये हमारा स्लीव्स का शेप हो गया। अब इसको हम साइड कर लेते हैं। और स्लीव्स का शेप आप हमेशा पेपर पर ही कटिंग कीजिएगा, क्योंकि स्लीव्स का जो भी बनाइएगा इसको आपको निकाल देना है, ठीक है। अब हम जो हमारा फैब्रिक्स है इसको हम क्या करेंगे, फ्रिल जॉइंट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से फ्रिल जॉइंट करेंगे। यहाँ पे नाप लेते हुए फ्रिल को जॉइंट करना है। इस तरीके से फ्रिल को जॉइंट करना है। देखिए फ्रिल जो है हमारा
बन गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्रिल को इसके साथ हम एडजस्ट करके थोड़ा सा बड़ा छोटा करके और इसको हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ज्वाइंट किए, यहाँ पे हम पिनअप कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम एक सिलाई लगाना है, हम यहाँ पे पिन यूज किए हैं, आपको सिलाई करना है, यहाँ पे सिलाई कर लीजिएगा और फिर क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए ये जो है हमारा नीचे तरफ का पट्टी बन गया है और जो हम स्लीव्स को कटिंग किए थे इसको हम यहाँ के इस पे इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसका शेप में हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा जो पफ वाला स्लीव्स है वो बनके तैयार हो गया है। इसमें हम इस तरफ से इस तरीके से इसको अगर हम ज्वाइंट करके सिलाई कर लेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा स्लीव्स है वो बनके इस तरीके से तैयार हो जाएगा। देखिए दिखाते हैं, इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लिए, यहाँ पिन है लगा हुआ इसलिए नहीं हो रहा, यहाँ पे एक फोल्ड हो जाएगा इसे, इससे होके इस तरीके से हमारा जो स्लीव्स है वो बन के देखिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पफ बन जाएगा एक, तो फ्रेंड्स देखिए पफ स्टाइल वाला हम स्लीव्स को कटिंग करके भी बताएं और स्टिचिंग करके भी बताएं। तो अगर प्रॉब्लम हो कहीं भी समझने में कुछ भी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तो देखिए ये हो गया हमारा स्लीव्स, ये हो गया बैक साइड और ये हो गया हमारा सादा ब्लाउज का फ्रंट साइड। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।